दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के लिए एक मैसेज है, अगर दबल रात आएंगे कि जो वोट मांगेंगे तो आगे उनकी भी नहीं है, नू बेकाऊ को नहीं हल्का ई बा का जोड़ी फलाड़ लगे है ई वोट कितना हुआ थी कुंडू ने 9 साल हो गए जनता की सेवा करते तो कुंडू ये जीतेगा भाई हम तो सोचा सीएम की कुर्सी पर बैठे है भाई साहब आ रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी नारा चला गया उसने किसी की बेटी पढ़ाई को रक्षा थ्री व्हीलर को सरकारी महकमा चाली बलराज कुंडू कितने वोटों से जीत सकते हैं बलराज कुंडू तो भाई बेरा है कौन है गिनती वोट से नहीं है कोई उनकी गिनती नहीं है कोई हाँ जी हाँ जी वोट कटे हैं उनते दोनों बाबू बेटे धाड़ है उनता ही बोला था भाई अपनी वोट मांग लो उनकी ना मांगो लेकिन वो इस बात पे खड़े नहीं उतरे इसलिए लोगों में ये विरोध हो रहा है एमपी तो हमने बना था ई वो वोट अपना नाम लेगा मांगा उसने नहीं दिया हम ई मारा भाई बलराज बलराज कुंडू भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को मैं आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ जो वो बार बार जनता मारे है ना वो अपना खुद का आगे का नुकसान करे हमने भी वोट डाल रखे लेकिन वो बार बार आ रहे हमारे को इसकी नाराजगी है पूरे मैं मलके के अंदर बलराज बलराज हो रही है जो पुत्र पैदा हो ना वो भी बलराज बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा पहुंची है महम में, काफी सारी महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं की जुबानी हम जानने कुछ करेंगे जी। महम में अब की बार क्या रहेगा, महम में क्या रहेगा, कौन जीतेगा? भाई गुंडुआ होगा। कौन जीतेगा? कुंडू भाई, कुंडू मेरा भाई कुंडुआ होगा। अच्छा, हाँ बलराज कुंडू भाई, बलराज कुंडू। हाँ जी बलराज कुंडू भाई। हाँ जी, लेकिन कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि कांग्रेस वाला जीत। नहीं नहीं जीतेंगे, ये पूरी सपोर्ट है ना, भोकलन दे भोकलन दे। बीजेपी ने क्या कर दिया, क्या कर दिया बीजेपी ने, हैं बाल करवाए रवाए हैं, कोई बात नहीं। कुंडू भाई ना, पर लेडी जो की पूरी सपोर्ट है, लेडी जो की पूरी सपोर्ट है भाई कुंडू के लिए। हाँ जी मैं तो नौको हूँ भाई, कुंडू जीतेगा। सब सब हल्का की जो माँ थी ना अपनी माँ बना ली, और सारी बेटी थी अपनी बाण बना ली, और जो मारा इज्जत का रुखाड़ी वो हमारी वोटा का रुखाड़ी। दंगी आया करता भाई, कदे 100 रुपये भी किन्ने दान नहीं खाले, दंगी आया करता कदे 100 रुपये किन्ने दान नहीं आए। कुंडू आवा भाई, सारा सम्मान देवा, प्रेस देवा, कसन देवा, सूट दे, और भाई दिल ठोक का किन्ना दान भी गाला है। और सब तो बड़ी बात है, किसी में दुख पड़ जाए ना कंधा पादर कन्नू का भाई, यो दुख मेरा है तेरा नहीं है, तो बलराज जीतेगा भाई, और कौन जीतेगा। और ई बा का जोड़ी फलाण लगे है, ई वोट कितना हुआ थी कुंडू ने 9 साल हो गए जनता की सेवा करते, तो कुंडू ये जीतेगा भाई। हम तो नु सोचा सीएम की कुर्सी पे बैठे, सीएम की कुर्सी पे बैठे। हाँ भैया यही है, बड़ी बड़ी बात बोल रही है। हाँ जी हाँ जी, ये उनकी सपोर्ट में है, हम भी पूरी सपोर्ट में है, ये उनके साथ रहती है बलराज कुंडू भाई के साथ। कभी आए हैं और वोट भी दी है ना, कभी आए हैं और वोट भी दी है। हाँ तो क्या क्या लगता है कि बलराज कुंडू कितने वोटों से जीत सकते हैं? बलराज कुंडू तो भाई बेरा है कौन है, अंत गिनते वोट से नहीं है कोई, उनकी गिनती नहीं है कोई। हाँ जी हाँ जी, सारी दंगी के काम में है ना, चार छोरिया का घर जड़ा था बिना माँ बाप की थी, बलराज ने उनका ठेका ठारा के 5 लाख रुपये दे के आया था, 5 लाख रुपये दे के आया दंगी के काम में, और इतना ब्याह हो गया उनका खर्चा कुंडू ने ठारा के, दंगी 100 रुपये भी नहीं दे के आया। कुछ जेंट्स भी हमारे से क्या रहेगा भाई साहब? भाई साहब आ रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी नारा चला गया, उसने किसी की बेटी पढ़ाई को रक्षा थ्री व्हीलर को सरकारी महकमा चाली। अरे ईब जो भाइयों चल रहा है इसमें क्या नुकसान है? अच्छा एक बात और बताइए, भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा बोलते हैं कि मैं दांगी को जिता के लेके जाऊंगा। नहीं नहीं झूठ है, एक और सुनो, मैं आपके माध्यम से भूपेंद्र बाइडर जा, एक मिनट जा भाई, इसी सवाल बढ़िया पूछ लिया। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को मैं आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ, जो वो बार बार जनता मारे है ना वो अपना खुद का आगे का नुकसान कर रहे हैं, हमने भी वोट डाल रखे लेकिन वो बार बार आ रहे, हमारे को इसकी नाराजगी है क्योंकि हमने ये बोल दिया हम आपको विधायक बना के देंगे और आपको दे देंगे, और क्या चाहिए? एमपी का मन बनाया होगा, आज वो दीपेंद्र जन सेवक पार्टी बोल रहे है, वो कौन सी है जन सेवक पार्टी, वह बीजेपी के जाएगी, वह मन 3.5 लाख तो जिता रखे, वो किसने जिताया? भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा प्रभाव रहेगा क्या जी?
भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा प्रभाव रहेगा मैम में? प्रभाव नहीं जी, उसे तो जितने वोट कटे हैं उनते दोनों बाबू बेटे दान है, उनता ही बोलिया था, उनता ही बोलिया था भाई अपनी वोट मांग लो की ना मांगो, लेकिन वो इस बात पे खड़े नहीं उतरे, इसलिए लोगों में ये विरोध हो रहा है कि हम भूपेंद्र डागम ने बता दिया था कि भाई हम एमपी बना दिया और आगे एमएलए बना दे देंगे, आप इसके बीच में मनाइयो। भूपेंद्र उड्डागा उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एमपी तो हमने बना था, ही वो वोट अपना नाम लेगा मांगा उसने नहीं देंगे हम, ही हमारा भाई बलराज, बलराज कुंडू एक तरफा क्या रहे ठीक है मैं ओ एक तरफा भाई यार तो पूरा मैं मलके के अंदर बलराज बलराज हो रही है, जो बच्चा पैदा हो ना वो भी इनका बलराज आए कोलन के पर इनका बलराज सब क्षमा बलराज भाई यार तो लोग इतनी बोले मशहूर हो लिए सर के मैंने को बलराज का बलराज हो रही है सबसे बड़ी बात भाई साहब यह है अगर बाण बेटी शेप है तो इस बात कुछ नहीं भाई ये विधा अगर विधायक बलराज कुंडू का बलराम का इलेक्शन ये है भूपेंद्र के लिए, विधायक बलराज कुंडू का छोटा इलेक्शन नहीं रह रहा, दीपेंद्र साढ़े तीन तो जीते वो ना जाए कितना जीते कर रहा क्या हमने कती एक तरफा हमारा भाई एक तरफा बलराज दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के लिए एक मैसेज है, अगर दबल रात आएंगे कि वोट मांगेंगे तो आगे उनकी भी नहीं है, बेकाऊ को नहीं हल्का। तमाम जो लोग हैं वो अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इन तमाम लोगों का ये कहना है कि ये हल्के के लोग विकास को ध्यान में रख रहे हैं, जनसेवक को ध्यान में रख रहे हैं, इसी वजह से जो इनकी समस्याओं का समाधान करेगा उसी के साथ ये देंगे, हालांकि क्या कुछ रहेगा किसके शीर पर चौधरी का ताज सजेगा ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल एक बात तो है कि लगातार बलराज कुंडू का जो काफिला है जो कारवां है वो बढ़ता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित वासिस के साथ अजय लोहान बिंदास श्रेणा।